तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल की खस्ता हलवाई स्टाइल कचौरी और उसके साथ खाई जाने वाली आलू की चटपटी रसे वाली सब्जी। और उसके लिए मैंने यहाँ पे अपनी 1 कप फुल मूंग दाल 7-8 घंटे पानी में भिगो के अपना पानी निकाल लिया है। और उसके सबसे पहले मैं अपनी मूंग दाल का मसाला तैयार कर लूँ कचौरी में भरने वाला, जिसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ एक पैन रखा हुआ है, ये थोड़ा सा हीट हो जाए, मैं इसमें ऑयल ऐड करती हूँ। हाँ, मैंने अपना पैन अच्छे से हीट कर लिया है, उसमें 2-3 टीस्पून मैंने ऑयल डाला हुआ है, ये थोड़ा सा हीट भी हो चुका है। अभी मैं इसमें अपनी तड़के शामिल करने जा रही हूँ। यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून रायदाना, 1/2 टीस्पून जीरा, पिंच ऑफ हींग, 2 ग्रीन चिलीज थी इन्हें छोटा छोटा काट लिया है, ये सब मैं इसमें डाल दूंगी। ये अभी मैं अपनी कचौरियों का मसाला तैयार कर रही हूँ, उसके लिए मैं ये थोड़ा सा तड़का लगाऊंगी और अच्छा सा मिक्सचर तैयार कर लूंगी उसमें भरने वाला। फ्लेम अभी मैं लो कर दे रही हूँ और अब मैं अपनी मूंग दाल इसमें ऐड करूंगी, जो मूंग दाल मैंने पानी में भिगो के रखी थी। आप चाहें तो हल्का सा 5-10 मिनट पानी में बॉईल कर सकते हैं इसको, भिगोने के बाद भी एकदम पकाइएगा मत, हल्का कच्चा रहने दीजिएगा। दाल मैंने अच्छे से ऐड कर दी है, इसको हल्का सा मैं स्टर कर देती हूँ। इसी के साथ में मैं अपने सूखे मसाले भी ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो मूंग दाल डालने से पहले ही मसाले हल्का सा डाल के भून लीजिए, फिर मूंग दाल डालिए। तो यहाँ मेरा 1/2 चम्मच मेरा नमक है, 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1/2 टीस्पून मेरा धनिया पाउडर है, 1/3 टीस्पून रेड चिली पाउडर है एंड 1/2 टीस्पून मेरा चाट मसाला है, ये सब चला जाएगा। आप इसमें खड़ा धनिया और सौंफ को हल्का सा भून लीजिए और दरदरा कूट के भी डालिए, हलवाई बिल्कुल वैसे ही डालते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अगर आपके पास नहीं है या उतनी मेहनत करने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल ऐसे ही मसाले डाल सकते हैं। मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लीजिएगा। अच्छे से मैं इसको एकदम सूखा सूखा हो जाने तक भून लेती हूँ लो फ्लेम पर ही, 3-4 मिनट लगेगा। और अच्छे से कोई कोई कुकिंग फ्रेंड्स बहुत इत्मीनान और स्लो स्लो जब करेंगे तो ही परफेक्ट टेस्ट पाएंगे, बिल्कुल बाजार जैसा, हलवाइयों जैसा। मैं भी वही लाना चाहती हूँ, तो चलिए 3-4 मिनट इसे भून लेती हूँ मैं। चलिए, जब तक हमारी दाल का मसाला तैयार हो रहा है, स्टफिंग का तो तब तक मैं अपना आटा लगा के तैयार कर लेती हूँ कचौरियों वाला। तो ये मेरा 1.5 कप मैदा है, 1 कप और 1/2 कप, इसमें अभी मैं 1/2 टीस्पून अजवाइन, थोड़ी सी हींग और 1/3 टीस्पून के करीब मेरा सॉल्ट होगा वो ऐड कर देती हूँ। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल भी सख्त डो बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, इसमें मोइन अच्छे से लगेगा और काफी सॉफ्ट सा आटा तैयार होगा हमारी कचौरियों का। इसी के साथ में मेरा ये 1/2 कप के करीब ऑयल है मोइन लगाने के लिए, आप घी भी डाल सकते हैं, जिसका मोइन आप पसंद करें। आपके पास मस्टर्ड ऑयल हो उससे भी कर सकते हैं, बस उसको थोड़ा सा हीट करके ठंडा कर लीजिएगा, उसके बाद मोइन लगाइएगा। मोइन जितना ज़्यादा होगा उतना ही खस्ता आपकी कचौड़ियाँ बनेगी। तो अच्छे से मैं अपना जो मैदा है उसमें ऑयल को और सारे मसालों को ऐड कर लेती हूँ। इस तरह से क्रम्बल करते हुए मैं सारा मोइन अपने मैदे पे लगा लूंगी। ये मोइन मेरा बहुत अच्छे से लग चुका है, थोड़ा ज्यादा ही हो गया है बट कोई बात नहीं, फिर भी कचौरियां बहुत खस्ता बनेंगी। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं अपना एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेती हूँ। ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ काफी सॉफ्ट सा आटा लगा के तैयार कर लिया है, इसमें मेरा 1/2 कप के करीब पानी लगा होगा, बहुत ज्यादा नहीं। अभी मैं इसको ढक के 10-15 मिनट का रेस्ट देने के लिए रख देती हूँ और तब तक अपने जो दाल मेरी भुन रही है उसको 1 मिनट देख लेती हूँ। इसमें मैं शुरू में एक इंग्रेडिएंट ऐड करना भूल गई थी, वो अब कर दे रही हूँ क्योंकि अभी ही डालती मैं। ये मेरा 2 चम्मच के करीब, 2 टीस्पून करीब बेसन है, ये बाइंड करने में हेल्प करेगा, तो इसको मैं
पहले सेंटर में डाल के हल्का सा रोस्ट कर लेती हूँ। इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करके ही ऐड करना है। इसमें मैं हल्का सा इसको इस तरह से रोस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद सारी अपनी दाल में मिला लूँगी। इससे जो दाल बिकती बिकती है ना, ये बाइंड होने में हेल्प होगी और बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा। इसको हल्का सा भून लेती हूँ मैं। अच्छी से भूनने के बाद में उसको मैं पूरी दाल में मिक्स कर लूँगी। अभी ये अच्छे से बाइंड हो जाएगी सारी दाल। इतनी दाल में 2 से 3 चम्मच के करीब बेसन काफ़ी है, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमें दाल और मसालों का टेस्ट ज़्यादा लाना है, ना कि बेसन का। बेसन सिर्फ बाइंडिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। तो इसको 1-2 मिनट में और बेसन के साथ भून लेती हूँ और हमारा मिक्सचर रेडी हो जाएगा। जब तक मैं अपना सब्जी बनाने की तैयारी कर लेती हूँ, हमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर हमारे पास 2-3 आइटम है, टाइम कम है, तो हम झटपट एक एक से सारे काम करते जाएंगे। यहाँ मैंने सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई रख ली है, थोड़ा सा हीट हो जाए मेरी। मेरा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं थोड़े थोड़े से मेरे स्पाइसेस हैं, थोड़ी सी हींग है, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/3 टीस्पून रायदाना, 1/2 टीस्पून मेरा चिली फ्लेक्स है, 2 ग्रीन चिलीज हैं, कुछ दाने मेथी के हैं, आलू की जो हम चटपटी रस्से वाली सब्जी बनाएंगे उसको और टेस्टी करेंगे ये सारे तड़के। हल्का सा मैं मिक्स कर देती हूँ। फ्लेम अभी मैंने लो रखा हुआ है। इसके साथ ही जाएगा मेरे ये सारे सूखे मसाले। 1/3 टीस्पून मेरी रेड चिली पाउडर है, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/3 टीस्पून मेरा गरम मसाला है। ये सब चला जाएगा। फ्लेम लो ही रखा है अभी भी। इसको हल्का सा मैं मिक्स कर लेती हूँ। इसको मिक्स कर लेने के बाद में अभी मैं अपने जो क्रम्बल किए हुए मैंने पोटैटोज रखे थे, 3 से 4 मीडियम साइज के मेरे आलू थे, उन्हें मैंने बॉईल करके इस तरह से तोड़ के रख दिया है। मिक्स कर लेती हूँ मसाले को। फ्लेम एकदम लो रखनी है वरना मसाला जल जाएगा, और जल्दी जल्दी हमें हर काम करना है वरना मसाला जल सकता है। अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने अपने आलूओं को। अभी मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ बटर मिल्क यानी छाछ। दही था मेरे पास, उसमें मैंने जैसे मेरा आधा कटोरी के करीब दही था, तो आधा कटोरी मैंने उसमें पानी डाल के उसको ब्लेंड करके छाछ बना लिया। आपको जितना थिक या थिन पसंद है उस हिसाब से आप मिलाएं। फ्लेम लो रखें और छाछ डालने के बाद इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी कंटिन्यू स्टर कर दें, जिससे हमारा छाछ फटे नहीं और हमारी जो सब्ज़ी है वो एकदम स्मूथ बने। इस तरह से अच्छे से मिक्स करते जाइए, हिलाते जाइए उसको। इसको फेंटना कहते हैं, इससे फटता नहीं है कि दही कभी भी। जब भी आप किसी डिश में दही या मट्ठा ऐड करें, थोड़ी देर उसको कंटिन्यू थोड़ा फास्ट स्टर करते रहिए इस तरह से। अच्छे से मैंने स्टर कर लिया है। अभी मैं उसी बाउल में जिसमें मेरी छाछ थी उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। 1/2 कप के करीब मैंने और पानी ऐड किया है, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। बस इसको पकने देते हैं हम। इस सब्जी को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 से 6 मिनट में मीडियम टू लो टू मीडियम फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट में आराम से बनके इतनी सब्जी तैयार हो जाती है। इसको मैं अच्छा सा बॉईल आ जाने देती हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मेरी स्टफिंग तैयार हो चुकी थी। मैंने उसे हल्का सा रूम टेम्परेचर पे आ जाने के बाद एक बाउल में भर के रख लिया है, और यहाँ मेरी सब्जी भी बन के तैयार हो गई है जो कचौरियों के साथ मैं सर्व करूँगी। आलू की सब्जी चटपटी रसेदार। और अब मैं बनाने जा रही हूँ अपनी कचौरियाँ, तो आपको दिखाती हूँ कि कैसे इसको शेप देना है, कैसे स्टफिंग भरनी है। तो यहाँ फ्रेंड्स मैंने एक कचौरी बना के तैयार कर ली है। मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे बनाई है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपना थोड़ा सा आटे का लोई लिया इस तरह से, और उसको थोड़ा सा हाथों में अच्छे से नीट करते हुए
मैं इस तरह से रोल कर लूँगी उसको। हाथों से ही हमें रोल करना है, हमें बेलन या किसी भी रोलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। इसको मैं इस तरह से हाथों से ही इस तरह से इसके एजेस पतले पतले बढ़ाते जाऊँगी, बीच में मोटा रखना है। इस तरह से मैं इसको रोल कर लेती हूँ, बढ़ा लेती हूँ। एक कटोरी का बीच में शेप दे देंगे इस तरह से। थोड़ी सी लेंगे स्टफिंग एक चम्मच के करीब, बीच में डालेंगे अच्छे से। स्टफिंग को एकदम सेंटर पे दबा देंगे हम और ऊपर से इसको इस तरह से कवर कर देंगे। बहुत ही आसान होता है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है स्टफिंग करना इसमें, और इसको शेप देना कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह से अच्छे से हर तरह से कवर करते हुए, हम प्रेस करते हुए पूरी तरह से कवर कर देंगे और फिर बाद में उल्टा करके इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे इस तरह से। ये लीजिए, एक और बनके तैयार हो चुकी है, कहीं से भी फटी या कहीं से भी खुली नहीं है। इसी तरह से मैं बाकी सारी तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अभी फिलहाल मैंने 4 कचौरियाँ बना के रख ली हैं, अभी मुझे इतनी ही खानी है, बाकी मैं बाद में बनाऊंगी जब खाना होगा गरम गरम। सारी चीज़ें तो तैयार ही हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ एक कढ़ाई में ऑयल गर्म कर लिया है। अभी इसमें मैं अपनी बारी बारी से कचौरियों को डालना शुरू करती हूँ। कचौरियों को डालने के कुछ सेकंड्स बाद आप फ्लेम लो कर दीजिएगा, पहले हाई रखिएगा और लो फ्लेम पर ही उन्हें हल्का हल्के आंच पर ही सेकिएगा। यहाँ मैंने एक कचौरी डाल दी है और ये मेरी एक और कचौरी, दो दो कचौरी करके मैं सेक लूँगी। शुरुआत में बिल्कुल भी बोलेंगे नहीं, इन्हें अच्छे से सिकने देंगे। 4 से 5 मिनट में लो टू मीडियम फ्लेम पे ये सिक्के तैयार हो जाएंगी, तो मैंने अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से मेरी कचौरियाँ खस्ता खस्ता फूल के एकदम तैयार हो रही हैं, ऑलमोस्ट सिक गई हैं। बस 1-2 मिनट मैंने और सेकूंगी, 2-3 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पे, 3 से 4 मिनट आराम से लगते हैं इन्हें अच्छे से फ्राई होने में, अंदर तक कुक होने में। तो बस इनको मैं तल के निकाल लेती हूँ और अपनी जो नेक्स्ट है उनको भी डाल देती हूँ। इन्हें बीच बीच में हिलाते रहना पड़ता है, टर्न करते रहना पड़ता है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी गर्मा गर्म बहुत ही टेस्टी खस्ता हलवाई स्टाइल कचौरियाँ और उसके साथ खाई जाने वाली आलू की सब्जी एकदम तैयार है। आप लोग देख सकते हैं देखने में कितनी डिलीशियस लग रही हैं। तो चलिए फिर, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।